मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसको लेकर जमकर बयानबाजी भी हो रही है। अब एक बार फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने कहा है कि अगर 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर नहीं हटे तो जैसे को तैसा जवाब देने का समय आ गया है। साथ ही ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हर हालत में होना चाहिए। उधर हनुमान जयंती पर उल्लास नगर में मनसे मुस्लिम नेता सैकड़ों समर्थकों के साथ हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ कर एक मिसाल कायम की है। उधर एनसीपी ने महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को हिमालय का टिकट बुक कराकर उन्हें उनका वादा पूरा करने का याद दिलाया है। एनसीपी ने कहा कि चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि यदि वो कोल्हापुर उत्तर का विधानसभा उपचुनाव हार जाते हैं तो वो संन्यास लेकर हिमालय चले जाएंगे। एनसीपी ने कहा है कि वक्त आ गया है कि वो अपना वचन निभाएं। वहीं नवी मुंबई अरोली विधानसभा के पूर्व मंत्री विधायक और भाजपा नेता गणेश नायक पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पिछले दिनों मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने वाले बयान को लेकर चर्चा में रहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने एक बार फिर कहा है कि 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर नहीं हटे तो जैसे को तैसा जवाब देने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हर हाल में होना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र दिवस 1 मई को औरंगाबाद में मैं एक बड़ी रैली को संबोधित कर 5 जून को अयोध्या में श्रीराम के दर्शन करूंगा, उसके बाद इस मामले में काम किया जाएगा। वहीं लाउडस्पीकर विवाद में भड़काऊ भाषण और मनसे प्रमुख राज ठाकरे को खुली चुनौती देने वाले पीएफआई अध्यक्ष अब्दुल मतीन शेखानी फरार है। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउडस्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस हाउस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। मुंबई के अलग अलग इलाकों में शिवसेना और मनसे की तरफ से हनुमान चालीसा और महाआरती का आयोजन किया गया तो दूसरी तरफ मुंबई से सटे ठाणे जिले के उल्हास नगर में कैसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। उल्हास नगर में मनसे से मुस्लिम नेता मोइनुद्दीन शेख ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। वो पूरी तरह भूल गए और सोनिया गांधी के विचारों पे चल रहे, ये पूरा साबित हुआ है। पर मैं मातोश्री पे जाऊंगा, मातोश्री पे वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री 2 साल मंत्रालय नहीं आते, जो 2 साल किसानों के मिलने जाते नहीं है, कोई जिले में जाते नहीं है, और इस तरह से पूरी गंभीर परिस्थिति महाराष्ट्र में हो जाती है, इसलिए ये 7.5 खत्म करने के लिए मातोश्री पे हनुमान चालीसा पढ़ना जरूरी है। वो हम सब मिलके वहाँ पे जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये काले पत्थर की लकीर है। एनसीपी के ओबीसी राज्य सचिव राज राजापुरकर ने महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का मुंबई से हरिद्वार का रेल यात्रा का टिकट बुक कराकर उन्हें याद दिलाया है कि पाटिल अपना वादा पूरा करें। एनसीपी ने कहा है कि चंद्रकांत पाटिल ने खुद कोल्हापुर उत्तर के विधानसभा उपचुनाव में अपने भाषण के दौरान कहा था कि यदि वो कोल्हापुर उत्तर का विधानसभा उपचुनाव हार जाते हैं तो वो संन्यास लेकर हिमालय चले जाएंगे। और पाटिल की इसी बात का हवाला देते हुए एनसीपी के नेता राज राजापुरकर ने ये टिकट निकाली है। अब एनसीपी चाहती है कि चंद्रकांत पाटिल अपना वचन निभाएं। बता दें कोल्हापुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पक्ष के जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं चंद्रकांत दादा पाटिल, इन्होंने चुनाव में उत्तर कोल्हापुर में प्रचार के दरमियान ये कहा था कि इस बार अगर भारतीय जनता पक्ष के विरोध में अगर निकाल लगे कोल्हापुर के तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए जो है वो कोल्हापुर चला जाऊंगा। तो ये बातें उनको याद दिलाने के लिए और उनके हिमालय जाने में